झूले झूले जा रहे हैं पहले ही। $0.3 है पर केजी। काले चने भी एक 1.8 केजी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनेडियन विंग्स। तो आज काफ़ी सारी ग्रोसरीज हमारी घर की ख़त्म हो रखी है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। और आज हम जा कहाँ रहे हैं, जो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है वहाँ जा रहे हैं। घर के पास वैसे वॉलमार्ट है हमारे, 2-3 बार वहाँ से भी लेकर आए हैं, और रेगुलर स्टफ जो भी है हम वॉलमार्ट से लेकर आते हैं। बट इस बार जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला सारा सामान लेकर आना है, लाइक दालें हो गई, छोले, आलू, एग्स और ये सब लेकर आना है। तो एक बार सोचा था कि एक सुपर स्टोर जो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है वहाँ पर भी एक बार होकर आ जाते हैं, पता थोड़ा सा प्राइस रेंज का पता चल जाएगा कि वॉलमार्ट में क्या है और यहाँ पर क्या है। तो इस वाली वीडियो में आपको यहीं दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कितने कितने की मिलती है यहाँ पर और क्या हिसाब किताब है। तो बने रहो इस वीडियो में। तो गाइस पहुँच गए रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, यहाँ बस स्टॉप पर उतरे अभी और पैदल चल के जाना है। जाते हैं अंदर और आज आपको दिखाते हैं कि ग्रोसरी में क्या क्या लेकर आते हैं। तो भाई अपने कार्ट वाट ले लिया और यहाँ पर कार्ट के साथ झूले झूले जा रहे हैं पहले ही। हाँ, यहाँ पर कार्ट के साथ सामान बाद में डालेंगे, पहले हम झूले झूलेंगे। ये बच्चों वाली हरकतें जो है ना, इंडियंस कभी नहीं जाती है बाहर आके भी। तो आओ चलते हैं अंदर। तो आ गए हम रियल कैनेडियन के अंदर और ये भी काफ़ी बड़ा ही है, वॉलमार्ट की जैसा ही बना हुआ है पूरा, बट यहाँ पर थोड़ा बेटर सामान मिलता है। तो इस बार यहाँ पर आए तो स्टार्ट करते हैं, अपनी लिस्ट खोलते हैं और लिस्ट खोल के ज़रा जल्दी जल्दी चालू करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है भाई। हम 2-3 बार वॉलमार्ट से ग्रोसरी कर चुके हैं, तो उस एक बार रियल कैनेडियन आए थे इसी वाले पर रिज्यूमे देने के लिए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का बेटर लगा तो इस बार हम यहाँ पर आए। बाकी यहाँ पर अब बनाना देखने आया कि ऑलमोस्ट केले जैसे कि कौन 6 ले लो दर्जन ले लो वैसे आते हैं, यहाँ पर केजी और एलबीएस के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर बनाना का प्राइस जो है $1.3 है पर केजी। और क्वालिटी देखो यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लीन और साफ़ है, यहाँ पे कोई दागी और वो सब नहीं है कि यहाँ पर रेडी में भैया साफ दे दो, यहाँ ऑलरेडी सब कुछ साफ़ मिलेगा आपको। और अब हम आ गए यहाँ पे अपने एप्पल लेने। तो भाई एप्पल जो है ना, आप हमेशा अगर आप कनाडा में हो, स्टूडेंट हो ना, तो एप्पल फ्रूट्स जो भी हैंडी फ्रूट्स होते हैं वो सब आप हमेशा बाय करके रखिए, क्योंकि कहीं पर भी आपको कहीं निकलना पड़ता है और आपका कोई खाना नहीं बना हुआ या आपके पास इतना टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो आप एप्पल कैरी करो और अपना चल पड़ो। तो हम यहाँ पर मोस्टली काला एप्पल लेते हैं। काला एप्पल भाई एक तो क्रंची होता है और टेस्टी इतना होता है, तो इसका यहाँ पर ऑलमोस्ट प्राइस जो है 3.8 पर केजी के हिसाब से है। तो ये भी ले लिया हमने, ये हमारी कार्ट है, तो हमने कार्ट के अंदर धीरे धीरे अपना सामान ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद अब हम आ गए अपने टमाटर लेने, और टमाटर में भी हम जो लेते हैं वो हम रोमा टमाटोज लेते हैं, बाकी जो है दूसरे भी है, बट जो हमारा इंडियन टेस्ट जो हमारा होता है कि जिसमें हम जैसे अपनी करी वरी बनाते हैं तो उसके फ्लेवर्स के हिसाब से तो ये रोमा वाला बेस्ट लगता है। तो इसका जो प्राइस है यहाँ पर लिखा हुआ है कि $4.39 पर केजी, और थोड़ा सा यहीं पर यहाँ पर भी छाटने पड़ते हैं हर बार, ये नहीं है कि पूरी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, तो कई बार टाइट भी टाइट टाइट हमें उठाने होते क्योंकि लंबे चल जाए। तो ये हम डाल रहे हैं अभी, यहाँ से डालेंगे उसके बाद अपना वे कर लेंगे इसको। अगर आप वे कर सकते हो, यहाँ पे भी छोटी छोटी मशीन्स लगी हुई होती है वे करने के लिए, अगर वे करोगे तो ठीक है, नहीं तो आप जो चेकआउट करते हो वहाँ पर सेल्फ चेकआउट के टाइम पे भी होता है, वो आपको मैं वीडियो में आगे दिखा दूँगा। यहाँ पे खीरा लेने, कुकम्बर, और कुकम्बर देखो भाई यहाँ पे मस्त पैक करके मिलता है एक एक वॉलमार्ट में, तो वैसे एक एक सिंगल सिंगल पीस पैक होता है, ये रहा मिल गया वो भी, यहाँ पर सिंगल पीस वाला भी है और यहाँ पर 3 वाला भी है, बट कहीं ना कहीं ऑफर होगा या कोई प्राइस रेंज में डिफर होगा इसकी वजह से हम ये वाला लेंगे। तो इसका प्राइस क्या करें, हाँ तो इसका प्राइस जो है वो लिखा हुआ है यहाँ सामने आपके 2.5 और 3 पीसेस, तो हमने ये वाला उठा लिया। तो जब से भाई कनाडा में आया हूँ 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और भिंडी खाने का इतना मन कर रहा था, वॉलमार्ट में भिंडी मिल नहीं रही थी, यहाँ पर मिली है, बट ये काफ़ी मोटी मोटी भिंडी है, अब देखता हूँ इसमें से कोई छाटता हूँ, कोई पतली पतली और छोटी छोटी जो खाने लायक हो, नहीं तो इसमें ज़्यादा जितनी ज़्यादा मोटी लेते हैं तो उसमें बीज ज़्यादा निकलते, फ्लेवर कम होता है, तो वो देखना पड़ेगा। तो वहीं छाट रहे अभी बैठ के, छोटी छोटी निकालियो भाई, छोटी और पतली लाइक दिस, इस टाइप की। अब अगर आप ऐसे ऐसी मोटी मोटी उठाने लग जाओ फ्लेवर नहीं आएगा, बीज निकलेंगे मोटे मोटे। हम आ रहे हैं पोटैटोज लेने, आलू लेने। तो यहाँ पर पोटैटो की और मतलब वैरायटी इतनी सारी है, देखो पिंक टाइप है, वाइट है, ये थोड़ा ब्राउन वाला है, अनियन भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आते हैं, हम जो मोस्टली अनियन यूज़ करते हैं ये वाला करते हैं, और उसके बाद ये वाइट वाला भी होता है और लाल वाला, इसलिए बहुत ज़्यादा पंजेंट होता है, बहुत तेज होता है, तो ये इंडियन करीज के हिसाब से सूट नहीं करता है। बाकी यहाँ इंडियन जैसे हम खरीदते हैं वहाँ पे इंडिया में वो लाल ही होता है, बट इसका फ्लेवर अलग होता है,
इसलिए हम ये वाला ज़्यादा लेते हैं। और इसका यहाँ पर प्राइस जो लिखा हुआ है अनियन स्पेनिश वाला, जो प्राइस लिखा हुआ है $5.49 है एक केजी के लिए। तो इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स का और नट्स का वो सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखो पिस्टैचियोस पड़े हुए, आलमंड्स पड़े हुए, और ये नॉर्मल नहीं है, सॉल्टेड और बड़े सारे बहुत सारी वैरायटीज़ के पड़े हुए हैं। तो इनका जैसे लाइक ये वाले का प्राइस क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2.99 per 100 ग्राम। अभी तो हमें खैर इनकी ज़रूरत है नहीं है ड्राई फ्रूट्स की, हमारे पास ड्राई फ्रूट ऑलरेडी है, घर से मम्मी ने दिए ही थे। इनिशियली जाओ तो घर से मम्मी सब कुछ दे ही देती है, तो वो वाले अभी चल रहे हैं। बट यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, और बेटर क्वालिटी का ही मिलेगा। यहाँ पर धनिया भी उठा लिया, धनिया उठाएँगे, पुदीना उठाएँगे, और एक मस्त सी चटनी बनाएंगे। तो चटनी खाने का बहुत मन कर रहा था, लास्ट टाइम मैंने बनाई थी बट उस टाइम धनिया कम था तो ज़्यादा बन नहीं पाई। तो इस बार हम धनिया भी लेकर जा रहे हैं और थोड़ा सा पुदीना भी डालेंगे। अगर पुदीना मिलेगा यहाँ पर, ये रहा दिस वन इज द मिंट, तो ये रहा इसका, बड़े वाला ढूंढते हैं। ये गुच्छियाँ यहाँ पर खुली मिल जाती है, वॉलमार्ट में ईजिली मिलता नहीं है, यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है। तो इसकी दो गुच्छी हम रेडी ले लेते हैं। इसका प्राइस तो मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पर है, बट जब हम चेकआउट करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव होगा नहीं। तो ये भी दो डाल लेते हैं। इसके अलावा अपना यहाँ पे कैप्सिकम लगे हुए, बेल पेपर लगे हुए, बड़े सारे अलग अलग टाइप के। और हमें क्या लेना है, हाँ हरी मिर्च का भी पैकेट हमें लेना था, बट यहाँ पर दोनों टाइप की आती है, वॉलमार्ट में सिर्फ पैकिंग मिलती है। वॉलमार्ट में मैंने लास्ट टाइम ली थी $4 की 100 ग्राम के अप्रोक्स, तो यहाँ पर अभी ये पैकेट वाली है, वहाँ पर आगे खुली भी होगी तो हम खुले वाली लेंगे। पोटैटोज़ हम ले रहे हैं, यहाँ पर इसका जो प्राइस लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है $6 for 10 LBS, तो ठीक है यार। आलू जो है ना, एक वो डिश है जो आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ में घुसा दो, वो बढ़िया ही लगती है। और उसके अलावा अगर आलू आप मतलब सब्जी नहीं भी बनानी है तो आप इसको बॉईल करके अपना जल्दी से सैंडविच बन जाते हैं, कैरी करने के लिए आसान है। तो आलू बड़े टाइम से हमारे पास थे नहीं, तो यहाँ से हमने आलू भी ले लिया एक पैकेट। और इसके बाद चलते हैं अगली लिस्ट की तरफ और दिखाते हैं आपको और भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई जब से हम यहाँ पे कनाडा में आए 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फर्स्ट डे करण ने हमें ना बेगल खिलवा दिया था टिम होटल्स का, और उसके बाद से हमें ऐसा चस्का लग गया ना बेगल्स का। तो बाहर से बार बार टिम होटल से क्या ही लेना, हमने एक स्प्रेड और बेगल हम हमेशा ख़रीद लेते हैं और सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पर बेगल ही बेगल लगे हुए हैं लाइन में, देखते हैं कौन से वाला बेगल लेते हैं। यहाँ पे बड़े सारे टाइप के बेगल्स आते हैं, ब्रांड्स का भी फ़र्क है और उसका भी है। तो मैं एक बार जो हम लेते हैं वो वाला ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक हम नहीं, ये ब्रेड है, ये हमने ये वाला बेगल ले रहे हैं, इसके अंदर दसवीं सीड्स और ये सब लगे हुए होते हैं, तो ये हम डाल रहे हैं, बढ़िया। तो यहाँ पर ये सारा प्री पैक फूड्स का सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर सब कुछ ही है, सारा रेडीमेड आइटम है, इनको बस पकाओ और खा लो, तल लो, फ्राई कर लो, जो भी है अलग अलग टाइप के बने हुए। चिकन नगेट्स है, जैसे यहाँ पे चिकन सॉसेज है, मतलब अगर इनका अगर आपको एडिक्शन हो गया ना तो आप छोड़ोगे ही नहीं। तो इट्स बेटर टू इस सेक्शन से जो है ना दूर ही रहो हमेशा। तो आगे चलते हैं, तो आगे जो है दूसरे सेक्शन बने हुए हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट और जूस और दूध है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एग्स की जो ट्रे है वो 30 एग्स वाली $8 की है, और मैं वॉलमार्ट से लेकर आया था $5 की 12। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो अभी हम यहाँ से एक एग की ट्रे भी उठा लेंगे। क्रैब्स भी लगे हुए हैं, ज़िंदा चल रहे हैं, मस्त इनको ले जाओ और पका के खा लो, ये हमारे काम की तो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से हट ही जाते हैं। बाकी स्टोर तो भाई बहुत बड़ा बना हुआ है, चल चल के थक जाओगे, और जो नहीं भी लेना ना आप वो भी ले लोगे। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स लगी हुई है, तो देखते हैं कोई एक आधी लेके चलते हैं, यार मन कर जाता है कभी कभार खाने पीने का, तो इनमें से देखते हैं क्या लेते हैं। के अंदर भाई दाले वाले भी थोड़ी ख़त्म हो रखी है, तो यहाँ पर सारे पल्सेस लगी हुई है, तो हर टाइप की पल्सेस है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। देखो छोले भी लगे हुए हैं, राजमा लगे हुए हैं, चने की दाल है, ठीक है। उसके बाद अपना ये वाली भी मूंग धुली और ये सब उड़द की दाल, और ये सारी दालें लगी हुई, काले वाली दाल भी लगी हुई है यहाँ पर, जो है नीचे लोबिया लगा हुआ है। यहाँ पर सारे के सारे आपको दालें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। और हमारे जो है घर में राजमा छोले और काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी है, तो वो भी हम आज कैरी करेंगे। राजमा हमने ले लिया है, और काले चने का यहाँ पर ये रहा पैकेट, काले चने भी एक 1.8 kg वाला है यहाँ पर $6.69 का, और वहाँ पर जो था समवेयर अराउंड $9 का है वॉलमार्ट के अंदर। तो इसका कंपैरिजन अभी थोड़ा बहुत तो बता ही रहा हूँ मैं आपको, बाकी आपको वॉलमार्ट की एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊँगा,
मेरे घर के काफ़ी पास है वॉलमार्ट, तो वहाँ की एक स्पेसिफिक बना दूंगा वीडियो एप्पल चॉकलेट लाइक यहाँ पर जो नए ब्रांड्स आते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं लोग अपने आप को, तो वो अपने अपने सैम्पल्स फ्री बांट रहे होते हैं, तो यहाँ पर दैट गाय इज प्रोवाइडिंग अस दी सैम्पल एंड टेस्ट करके देखेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट टाइम बाय करेंगे। भाई यहाँ पर हम आ गए सारे मसालों के सेक्शन के अंदर, तो सूरज नाम का कोई ब्रांड है जिसके बहुत सारे मसाले हैं, और यहाँ पे सारे मसाले हैं, कोई ऐसा नहीं है आप घर से भर भर के लेकर आओगे मसाले, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेटर है कि अपना सामान लेकर आओ जो ज़रूरी है। अब आपको क्या चाहिए लाइक चिली पाउडर ये रहा, हल्दी पाउडर ये रहा, गरम मसाला ये रहा, जीरा ये रहा, चिली फ्लेक्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, सारे के सारे मसाले हैं, कोरिएंडर यहाँ पर ये रहा आपका, वो मिल जाता है यहाँ पर सब कुछ, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये इवन खड़े मसाले हैं, ये देखो लौंग है, दालचीनी है, ये आपका धनिया है जो साबुत धनिया होता है, इसको पीस के हम ही वहीं सुखारा धनिया बनाते हैं इसका, तो ये भी है यहाँ पर, सौंफ भी है यहाँ पर, सब मिल जाएगा आपको। बाकी अभी देखते हैं, इसमें दो चार चीज़ें हमें लेनी है, मसाले हमारे घर में ऑलमोस्ट सारे हैं, बट दो चार चीज़ें जो है बिरयानी या पुलाव वलाव बनाना होता है तो उसके लिए काम आते हैं, जैसे कि एक आधी लौंग डाल ली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लिया, मोटी इलायची काले वाली डाल ली, तो वो हम सब लेके चलेंगे अभी, और लास्ट में फाइनल आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या बाय किया है, और चलो आगे चलते हैं। और इवन ये वाले भी नहीं, सूरज के अलावा और भी ब्रांड है यहाँ पे, देखो MDH के भी ब्रांड है, तो MDH का भी सारा है, शान कोई ब्रांड करके, शान आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है, बट MDH तो सबको ही पता होगा कि MDH का भी यहाँ पे सब कुछ है, किचन किंग, बटर चिकन मसाला, करी मसाला, पकौड़ा मसाला, सब मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसके ज़्यादा कोई प्राइसेस इतने ज़्यादा भी नहीं है, लाइक अगर हम बेसिकली मेनली हम जैसे चिकन मीट मसाला वो देखते हैं तो इसका कॉस्ट आप देख सकते हो कि $2.49 में आपको मीट मसाला मिल जाएगा, और बटर चिकन वो जो मसाला है $1.79 है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और इसका जो वेट है वो 50-50 ग्राम के पैकेट बने हुए हैं, 50 ग्राम का ये है, 100 ग्राम का ये वाला है, और इसके अलावा आगे और भी बहुत सारी स्पाइसेस लगी हुई है। और लो भाई आगे चल रहे थे, यहाँ पे हल्दीराम के गुलाब जामुन, रसमलाई सारी आ गई है, गुलाब जामुन यहाँ पे कितने हैं $5.49 के है, और ऑलमोस्ट 1 kg है, ठीक है प्राइस, इतना कोई वो नहीं है। बाकी यहाँ इनिशियली अगर आप कनाडा आते हो ना, तो आप ऑब्वियस बात है आप ना चाहते हो भी ना उसको INR में कन्वर्ट करते रहोगे जब तक आप ना खुद अर्न करना स्टार्ट नहीं करते होगे, जैसे ही आपकी अर्निंग आपके हाथ में आनी स्टार्ट हो जाएगी ना आप थोड़ा बहुत कंपेरिजन करना बंद कर दोगे। तो भाई यहाँ पर पानी पूरी भी है, गोलगप्पे जिसको हम दिल्ली में बोलते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ गोलगप्पे खाने का, तो लास्ट टाइम वॉलमार्ट में भी हमने देखा था, बट उस टाइम पे थोड़ा सा बजट थोड़ा लगा रहे थे कि ठीक है अभी नहीं लेते। $5 किया है यहाँ पर, एक पैकेट है पूरा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर 30 पानी पूरी लिखी हुई है, और ड्राई मसाला मिलता है, पानी डालो अपना उसके अंदर मिक्स करोगे बन जाएंगे, तो आज हम ये भी लेके जाएंगे। जो कर्ड है हम ये वाला यूज़ करते हैं एस्ट्रो का, काफ़ी अच्छा है, और इसका प्राइस भी यहाँ पर थोड़ा कम है, बाकी हमें बहुत सारे लाइन वाइज लगे हुए फ्लेवर, डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट फ्लेवर्स है, तो चॉइसेस इतनी मिलेंगी आपको कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ होगी लेना क्या है क्या नहीं लेना। ये सारा ऑर्गेनिक का अपना सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी ऑर्गेनिक है, और ग्लूटेन फ्री मिल जाती है आपको, लैक्टोज फ्री मिल जाएगा, सब कुछ वो बड़ा सेक्शन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा सेक्शन बना रखा है इन्होंने इस चीज़ का भी ये। और अपना 4 बैग हम लेकर आए थे उसमें, और ये थोड़ा सा एग्स के लिए हमने एक बैग ले लिया, तो ऑलमोस्ट आ ही गया 4 बैग के अंदर, काफ़ी ग्रोसरी आ गई है, हैवी हो गया, अब इनको कैरी करके जाना है बस सीधा सीधा बढ़िया अपना, और लास्ट में बताऊंगा कि आपको टोटल कितने की ग्रोसरी आई है ये वाली, और क्या क्या लेकर आए हम। तो भाई हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, 4 बैग लेके घूम रहे, ये हमारा एग वाला हो गया, और मैंने भी एक बैग पीछे टांग रखा है, 2 चैतन्य ने बैग टांग रखे है, एक करण ने, और काफ़ी हैवी हो रखे है, तो अब चल पड़े वापस घर को, और बस इतनी ही ग्रोसरी थी, ज़्यादा कुछ हमने खास करी भी नहीं है, बट हाँ बेसिक नेसेसिटी वाली एक बार चीज़ें आती है लाइक पल्सेस हो गई, मसाले हो गए आपके, और इसके अलावा ऑयल हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें एक ही बार आएंगी आपकी, उसके बाद तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, लाइक महीना 1.5 महीना 2 महीने चल जाती है सारी चीज़ें, तो एक बार का एक्सपेंसेस लगते हैं इन चीज़ों के, बाकी आपकी रेगुलर जो आपको सब्जी लेकर आनी होती है या और कोई कर्ड हो गया, जूसेस हो गए, ये सब तो आपको रेगुलर लाने ही पड़ेंगे, लाइक मिल्क भी हो गया, ये रेगुलर आते रहेंगे, इसके अलावा एक बार मोटा खर्चा होता है इन चीज़ों का, तो वो हम आज करके आ चुके हैं। भाई घर आ गए और ये सारा सामान लेकर आया कैनेडियन स्टोर से, और ये इसका बिल है, बिल के अंदर मतलब कि अपना कार्डेबम जो आपको बताया था, ओलिव ऑयल है, काला चना,
किडनी बीन्स मतलब कि राजमा जो भी है, इसके अलावा ब्रिटानिया के बिस्किट है, दही है भैया, इन सब का टोटल मिला के जो हमारा पोटैटो भी लेकर आए थे हम, इन सब का टोटल अगर मिला के बनाते हैं बिल तो जो बना हुआ है वो है लगभग $149.59, तो ऑलमोस्ट $150 के करीब इतनी सारी ग्रोसरी आ गई है। और इसमें से मेजोरिटी ऑफ सामान वो है जो हमारा लॉन्ग टर्म में चलेगा, एक्सेप्ट जो टमाटर है ये सब तो रेगुलर आते ही रहते हैं, बाकी लाइक ये अपना आलू हो गए, चना हो गया, राजमा हो गया, ये सब तो लॉन्ग टर्म में चलेंगे। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए कैनेडियन विंग्स को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को।